अस्सलाम वालेकुम। खबर की दुनिया से मैं हूं उस्मान अमान। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग के एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 पर धमाका, एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा, ट्रैफिक जैम, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर। पसरूर के नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब, सैकड़ों एकड़ फसल तबाह। गुजरांवाला में एम्बुलेंस अंडरपास में फंस गई। सदारती उम्मीदवार के लिए आर्टिकल 62-63 पर पूरा उतरना लाजमी करार। दुनिया न्यूज ने मामला उठाया, इलेक्शन कमीशन ने कवायद बदल दिए। अपोजिशन मुतफिका, सदारती उम्मीदवार लाने में नाकाम। पीपल्स पार्टी ने रजा रब्बानी और तहरीक इंसाफ ने जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन को नामजद कर दिया। ख्वाजा आसिफ की खुर्शीद शाह से नवाज लीग के 3 नामों पर मुशावरत। कोहाट और बाड़ा के दरमियान शिदत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन, 15 दहशतगर्द मारे गए, 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। बिजली और गैस चोरी के खिलाफ मुहिम, पंजाब के 15 अजला तक बढ़ाने का फैसला। वजीर आला पंजाब ने करप्ट एहलकारों की फहरिस्तें तलब कर ली। अदम हाजिरी पर 3 साल की सजा, साबिक चेयरमैन ओगरा तौकीर सादिक ने एहतसाब अदालत की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी। और सोने की पीतोला कीमत 50 रुपए इजाफे से 51,500 रुपए हो गई।